मुंबई हमले की 10वीं बरसी पर अमेरिका की तरफ से बड़ा बयान आया है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा, हमले के दोषियों का अब तक न पकड़ा जाना अपनों को खोने वालों का अपमान है। सभी देशों और खासकर पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव के तहत वो इस हमले के दोषियों को सजा दिलवाएं। इस हमले में अपनी जान गंवाने वाले 6 अमरीकी नागरिकों समेत सभी पीड़ित लोगों के प्रति हम संवेदना जताते हैं। इस हमले ने पूरी दुनिया को दहला दिया था। मुंबई आतंकी हमले के गुनाहगारों पर अमेरिका ने इनाम भी बढ़ा दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने ऐलान किया, 26/11 हमले की साजिश से जुड़े हाफिज सईद जकीउर रहमान लखवी को पकड़ाने वाले पर $50 लाख यानी करीब 35 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। गौरतलब है कि 10 साल पहले आज ही के दिन 26 नवंबर 2008 को लश्कर के 10 आतंकियों ने देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पर हमला किया था। इस हमले में 166 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। हमले में 6 अमरीकी समेत कुल 28 विदेशी नागरिकों ने अपनी जान गंवाई थी। इस हमले ने 60 घंटे तक पूरी दुनिया को दहला दिया था।